अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक आज़म, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप अब खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ईद उल फितर से पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक और गुस्ताख के गले में पट्टा डलवा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान की मेहनतों और कोशिशों से एक और मलूना को गिरफ्तार करवा दिया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी जो वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जी व्यूअर्स, तहरीक लबैक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। एक मलूना कज़ाब मलूना जिसके गले में पट्टा डलवा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 दिन पहले लाहौर के अंदर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया असम्बली हाल के बाहर। इस मलूना को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। जो हमारे आका मौलाना सल्लम की शान एकदस में गुस्ताखी की है तो इसको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। और इस तहरीक लबैक पाकिस्तान के एहतजाज के बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह उस मलूना कज़ाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। कज़ाब मलूना को बैरियर टाउन लाहौर के अंदर से गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ संदर थाना के अंदर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है और अदालत के अंदर भी उस मलूना कज़ाब को पेश किया गया है जो जुडिशनल रिमांड पर थाना जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है। क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ईद के बाद भी ऐलान कर रखा था कि अगर इस मलूना को गिरफ्तार ना किया गया तो तहरीक लबैक पाकिस्तान भरपूर एहतजाज करेगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान मैदान अमल में आकर इन मलूनों को उस वक़्त तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि इनके सर जुदा नहीं हो जाते। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इन मलूनों को इनकी सजा तक एहतजाज का ऐलान कर रखा था कि जब तक इन मलूनों को सजा नहीं मिलेगी उस वक्त तक हम मैदान अमल में रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज की वजह से इस मलूनों को कल लाहौर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान मुस्ताहम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये चाहे बाहर भी हों, जो भी हमारे आका मौलाना सल्लम की शान अक़दस में कोई गुस्ताखी करता है तो वह तहरीक लबैक पाकिस्तानी जमात है जो इन मलूनों को जवाब भी देती है और इन मलूनों के खिलाफ जहाँ तक इनकी पहुँच होती है, अप्रोच होती है, ये चाहते हैं और उन मलूनों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद तहरीक लबैक पाकिस्तान है। हमने अभी तक किसी सियासी जमात या मजहबी जमात का ट्वीट्स या बयान नहीं सुना इन गुस्ताखों के खिलाफ कि किसी ने कोई आवाज़ बुलंद की हो, चाहे PTI हो, चाहे PMN हो, चाहे JUI हो, चाहे दूसरी जितनी भी जमातें हैं, हमने कब नहीं कहीं भी नहीं सुना। ट्वीट तक हमने नहीं देखा कि इन ये बड़े बड़े जो लीडर अपने आप को बड़े बड़े आज के रसूल कहते हैं और जब हजूर की इज़्ज़त और नमूज़ की बात है तो ये बिल्कुल खामोश होते हैं। तो हमने अभी तक इनका कोई ट्वीट्स, इनका कोई बयान नहीं सुना इन गुस्ताखों के खिलाफ कि इन्होंने दिया हो। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान वाहिद जमात है जो इन मलूनों के खिलाफ खड़ी है और इंशाल्लाह इनके किएगी सज़ा जो है जरूर दिलवाएगी। इंशाल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान इन मलूनों को इनकी किएगी ज़रूर सज़ा दिलवाएगी और इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर इस बार तहरीक लबैक पाकिस्तान इन मलूनों को आसे मलूनी की तरह बाहर भेजा गया तो तहरीक लबैक पाकिस्तान बहुत बड़ा एहतजाज करेगी जो कि हुकूमत और दूसरी अंदरूनी ताकतें इनको रोक नहीं सकेंगी और ना इनका रास्ता कोई रोक सकता है। तो मज़ीद अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।